सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, ए इंजीनियरिंग ड्राइंग दी चैप्टर वन दी सेकंड वीडियो है, लेटरिंग दी सेकंड वीडियो है। इस दे विच मैं तुहानू इस वीडियो च तुहानू सिंगल स्ट्रोक गॉथिक लेटरिंग बारे दसांगी। सो जिहड़ी गॉथिक लेटरिंग है इस दे विच अल्फाबेट्स ए टू जेड, नंबरस 0 to 9 ते सिंबल्स ए हो सकते ने। इना दी लोड सानू ड्राइंग शीट ते पैंदी है। जदों ड्राइंग सी कंप्लीट कर लैने आ तां आपां डायमेंशनस लिखदे आ, कोई इनफॉर्मेशन लिखनी हुंदी है तां आपां इना नू यूज करदे आ। देन बिफोर गोइंग फर्दर मैं तुहानू सिंगल स्ट्रोक ते डबल स्ट्रोक दा डिफरेंस दसांगी। सिंगल स्ट्रोक लैटरस ओ लैटरस हुंदे ने जिहड़े कि पेंसिल दे इक सिंगल स्ट्रोक दे नाल बने होन। ता मेरे कहने का मतलब ए नहीं है कि असी पेंसिल नाल जो स्ट्रोक बनाना है, जो पेंसिल नाल कुछ ड्रॉ करना है पेज दे उते शीट दे उते, ता असी पेंसिल नू लिफ्ट नहीं कर सकते। अब पेंसिल नू नो डाउट लिफ्ट कर सकते हैं, बट असी जेड़ा भी अल्फाबेट बनाना है विद द स्ट्रोक ऑफ पेंसिल, वह ऐदा लगना चाहिए कि वह एक सिंगल स्ट्रोक च बनी हुई है। कुछ भी कोई भी अल्फाबेट, सपोज मैं अल्फाबेट बना रही हूं, ओदा स्ट्रोक एक फाइन स्ट्रोक लगना चाहिए, तो वह होंगे ने सिंगल स्ट्रोक लैटरस। सो स्टूडेंट्स जेडे सिंगल स्ट्रोक लैटरस ने इना दी जेडी थिकनेस हुंदी है, मोटाई जेडी हुंदी है, ए घट हुंदी है, मीन्स ए थिन हुंदे ने। एंड दूसरी साइड ते डबल स्ट्रोक लैटरस ओ हुंदे ने जेड़े कि मल्टीपल पेंसिल दे स्ट्रोक नाल बनाए जान। जिवें मैं एक स्ट्रोक लिता, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक थर्ड स्ट्रोक एंड उसी तरह ही 1 2 3। सो ए लैटरस जेड़े ने यह डबल स्ट्रोक लैटरस हुंदे ने। सो ए लैटरस थिक हुंदे ने, जदी मोटाई ज्यादा हुंदी है। देन आफ्टर मैं तुहानू हाइट ते रेशो दे कंसेप्ट बारे दसांगी। आपां जदों ड्राइंग शीट ते कुछ भी लिखना है, तां वर्ड लिखना है, कोई सेंटेंस लिखना है, तां सानू ये दो चीजां स्पेसिफाइड हुंदियां ने। सो पहला तां हाइट की हुंदी है। सपोज मैं कोई भी अल्फाबेट लिखा, से मैं फर्स्ट इंग्लिश लैटर लिख दी हूं ए, तो ए नू लिखन वास्ते सानू जिन्नी स्पेस चाहिदी है वो एक बॉक्स दे विच एनक्लोज कर लीती, ठीक है जी। तो इस बॉक्स की टोटल हाइट एच लिखांगे, तो इस बॉक्स की टोटल विड्थ है उन्हों असी विड्थ डबल्यू लिखांगे। सो इसकी टोटल जिहड़ी हाइट है वो एच है, इसकी टोटल विड्थ जिहड़ी है ओह डबल्यू है। सो रेशो की होएगी, हाइट ते विड्थ दी रेशो, ठीक है जी। हाइट ऑफ द लैटर टू द विड्थ ऑफ द लैटर वो रेशो हुंदी है। हाइट मीन्स हाइट ऑफ दिस, ठीक है जी। आपां एक वर्ड कई बार यूज कर लैंदे आ साइज ऑफ लैटर, ठीक है। सो साइज ऑफ लैटर मीन्स हाइट ऑफ लैटर, ठीक है। सो ये दो चीजा सानू पता होणगियां। सो एच ते डबल्यू नू मैं फर्दर कैरी ऑन कर दी हां। हुण स्टूडेंट्स सानू यूजुअली शीट ते साइज मेंशन हुंदा, यानी कि हाइट दित्ती हुंदी है। साइज से आपां मान लैंदे आ भी 28 है सानू दित्ता होया, ठीक है जी। ते रेशो सानू पता है भी 7:4 है, इहदे विच असीं लिखना चाहुंदे आ। ते डबल्यू किन्ना होएगा, डबल्यू किदां फाइंड करांगे आपां? सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस रूल। साइज मीन्स द हाइट ऑफ द लैटर, देन विल फाइंड द डब्ल्यू। हाउ विल फाइंड द डब्ल्यू? 7/4 = 28 हाइट है, तो डब्ल्यू असी पता करना है, ठीक है जी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इन्हों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके की होएगा 28 × 4 divided by 7, so 7 × 4 = 28, 4 × 4 = 16,
सो साडे कोल डबल्यू है 16 mm नाउ. ठीक है, एक होर एग्जाम्पल इस दे विच ही से साडे कोल सानू हाइट दित्ती हुई है 35 mm दी, रेशो 7:4 है, तो डबल्यू किन्ना होएगा, अगेन 7/4 जो भी रेशो सानू दित्ती हुई है, 35 हाइट डबल्यू असी फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो की आएगा 35 × 4/7 देन 7 × 5 = 35, 5 × 4 = 20 सो 20 mm साडे कोल विड्थ आ गई. ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स तुहानू ये दो एग्जाम्पल्स नाल क्लियर हो जाएगा कि जे सानू एच दिता होया तो असी डबल्यू किवें फाइंड करना है. इन केस कुछ प्रॉब्लम्स दे विच तुहानू डबल्यू दिता होवे तो तुसी एच वी सेम मैथड दे नाल फाइंड कर सकते हो. उस तो बाद हुण स्टूडेंट्स सानू एच डबल्यू ते रेशो बारे पता है, तो आप हुण शीट जिहड़ी है लैटर्स लिखने ने किदां स्टार्ट करांगे. तां उस लई सब तो पहला तुसी गाइडलाइंस ड्रॉ करनियां ने. गाइडलाइंस हुंदियां ने दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कीतियां, मैं फ्री हैंड यूज कर रही हूं, इसनों फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूं, तुसी शीट ते इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प दे नाल ड्रॉ कर सकते हो. सो दो गाइडलाइंस ड्रॉ कीतियां. सो दो गाइडलाइंस दे विच असी किन्नी स्पेस छड्डनी है, इक्वल्स टू द हाइट, जिन्नी सानू हाइट दित्ती होएगी उन्नी असी जगह छड्ड के ये गाइडलाइंस ड्रॉ करनियां ने. गाइडलाइंस के बारे विच जिहड़ियां गाइडलाइंस असी बनाने हां, दीज आर एक्चुअली ये रेफरेंस वास्ते हुंदियां ने, ये शो नहीं करनियां हुंदियां, बट जेकर आपां इन्हां नूं बना रहे हां दे आर टू बी ड्रॉन, ये बहुत लाइट होनियां चाहीदियां ने, थिन होनियां चाहीदियां ने. ठीक है, सो इहदे वास्ते आपां यूजुअली जिहड़ियां पेंसिल्स ने उह लाइटर पेंसिल्स यूज करांगे, लाइट पेंसिल लाइक्स एच 2H 3H ग्रेड दियां पेंसिल्स आपां गाइडलाइंस वास्ते यूज करांगे. उस तो बाद जो आपां गाइडलाइन ड्रॉ कर लेती है देन आपां एक स्टार्टिंग पॉइंट इस दा मान लांगे जिथों आपां स्टार्ट लिखना शुरू करना चाहुंदे आ. सपोज मैं इस पॉइंट नूं स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, उस तो बाद असीं इस दी विड्थ मार्क करांगे, जिन्नी आपां हाइट लीती है स्टूडेंट्स जिन्नी सानूं मैनशनड होएगी उहदे अकॉर्डिंगली आपां उसदा डबल्यू वी फाइंड कर लेना है, देन वी विल फाइंड द विड्थ. विड्थ मार्क कीती, जिथे विड्थ आपां मार्क कीती है उतो आपां राइट लाइन राइट एंगल ते लाइन ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है, हुण तुसीं देख सकते हो यह एक ब्लॉक बन गया है, यह ब्लॉक एक स्पेस है जिहदे विच असीं अपना अल्फाबैट या लैटर लिखना चाहुंदे हां. हुण नैक्सट ब्लॉक की जगह तो थानू थोड़ी जी जगह स्पेस छड़नी पएगी बिकॉज एकदम टचिंग अल्फाबैट्स या लैटर्स नहीं लिखने. सो कुछ भी स्पेस है तो छड़ी, देन अगेन राइट एंगल ते लाइन ले लेती, पैरल लाइन ड्रॉ कर लेती, फिर विड्थ मार्क कीती ते पैरल लाइन उसते ड्रॉ कर लेती. फिर स्टूडेंट्स आपां कुछ स्पेस छड़नी है. एक चीज स्पेस छड्डन वेले ध्यान रखना है, आपां जिन्नी भी स्पेस छड्डांगे पहली बार सानू हर वारी उन्नी ही स्पेस छड्डनी पएगी, इट शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट. इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है कि इन्नी ही छड़नी हुंदी है, बट जिन्नी भी आपां लैने हां सपोज 1 mm 2 mm और 3 mm वह सारे च फिर बराबर ही छड़नी है. सो अगेन तीसरा ब्लॉक बनावांगे, विड्थ लिती और तो परपेंडिकुलर लाइन, स्पेस छड्डी, फिर पैरेलल लाइन, फिर विड्थ मार्क कीती, पैरेलल लाइन. इस तरह मैं कुछ ब्लॉक्स इदा विड्थ दे नाल बना लांगी. स्टूडेंट्स यह जिहड़े आपां ग्रिड्स बना रही हां मैं, यह बहुत ही लाइटर होने चाहिए ने, यह तुहाडे लैटर्स दे विच मिक्स नहीं होने चाहिए. सो वेरी लाइट पेंसिल ते जदों तुसीं लाइट पेंसिल यूज करनी है या कोई भी पेंसिल यूज करनी है तुसी बिल्कुल भी पेंसिल दे उते लेड दे उते प्रेशर एग्जर्ट नहीं करना. सो दे आर वेरी लाइट. हुण मैं इस दे विच लिखना शुरू करांगी,
सपोज मैं अल्फाबेट से लिख दिया, फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट अल्फाबेट, फिर सेकंड ब्लॉक द सेकंड, इसी तरह थर्ड, जो भी लिखना चाहने एनीथिंग विच वी वांट टू राइट, वो उसकी अपने अपने स्पेस दे विच लाइक दिस। सो इस तरह असी अपना जो है लेटर्स वो लिख सकांगे। सो ये जो स्टूडेंट्स मैं तुहानू लेटर्स लिख के दिखाए ने, ये सारे वर्टिकल लेटर्स ने। वर्टिकल का मतलब कि जेडे आप बॉक्स बनाए हैं, ग्रिड्स बनाए ने, इस बॉक्स का जेड़ा स्टेम है वह बेस तो 90 डिग्री ते है। सो सारे लेटर्स जेड़े अल्फाबेट्स तुसी देख रहे हो दे ऑल आर वर्टिकल, क्योंकि इन्हां दे जेड़ा दी स्टेम है वो 90 डिग्री दे। इस तो बाद मैं तुहानू दसांगी इनकलाइंड और इटैलिक लेटर्स बारे। अगेन द मैथड इज सेम, फर्स्टली वी विल ड्रॉ टू हॉरिजोंटल लाइन्स, ठीक है जी। उन्हां दे विच आपां एक स्टार्ट पॉइंट मान लांगे जिथों आपां स्टार्ट करना है। इनकलाइंड ते इटैलिक लेटर्स वो हुंदे ने जिहड़े कि एंगल ते हों, यूजली ये एंगल आपां 75 डिग्री दा लैंदे हां। इस तों इलावा कोई होर एंगल भी हो सकदा है। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स तुसी 75 डिग्री दा एंगल रेफरेंस एंगल इत्थे बना लोंगे लाइटर पेंसिल दे नाल ही। फिर हाइट ते विड्थ ओवें ही सेम कंसेप्ट ही चलेगा, तुसी इस पॉइंट तो विड्थ मार्क कर लेनी है, इस पॉइंट तो विड्थ मार्क कर लेनी है, एंड इहदे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये तुहाडा बॉक्स जिहड़ा बनिया ये टिल्टिड बनेगा, एंगल ते बनेगा। फिर इन्हां दो पॉइंट्स तो स्पेस इक्वल छड्डनी है, लाइन ड्रॉ कर लेती स्पेस छड्डी, फिर विड्थ मार्क कीती दोनों पॉइंट्स तो पैरेलल लाइन, दैन स्पेसिंग दोनों पॉइंट्स तो टॉप एंड बिलो इको जी, फिर विड्थ लीती ते साडा नैक्सट ब्लॉक बन गया। इस तरह साडे ब्लॉक्स जिहड़े है ग्रिड तैयार हो जाएंगे, उस दे विच असी अल्फाबेट सेम वे नाल लिखांगे जो आप पहला लिख रहे सी, बस हुण ग्रिड्स जिहड़े ने टिल्टिड ने, ताही इन्हां नूं असी इनकलाइंड ते इटैलिक लैटर्स कहिंदे आ। नाउ सी सेम मैथड बट बॉक्स का जिहड़ा है फॉर्मेशन वो डिफरेंट है। देन बी एंड सो ऑन। आई होप ये दोनों दी जड़ा डिफरेंस है वर्टिकल ते इनक्लाइन लेटर्स ये तुहानू क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।